नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन में परिवार नियोजन पखवाड़ा का किया गया शुभारंभ। खबर चांदन बांका से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन परिसर में 11 जुलाई को सोमवार विधिवत परिवार नियोजन पखवाड़े की शुरुआत की गई। बता दें कि 11 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित परिवार नियोजन पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ प्रभारी चिकित्सक एके सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। शुभारंभ के पश्चात कई योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के अस्थायी साधन जैसे कि गर्भवती गोली, कॉन्डोम आदि का वितरण किया गया। इस आशय की जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रभारी एके सिन्हा ने बताया कि देश में जनसंख्या का ग्रोथ लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसके परिवार नियोजन पखवाड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भैरवगंज व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुइया में परिवार नियोजन को लेकर उसके स्थायी व अस्थायी संसाधनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए जानकारी दी कि परिवार नियोजन पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम के तहत कम से कम 100 पंथ्याकरण एवं पुरुष नसबंदी कराने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन पखवाड़ा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा एके सिन्हा के अलावा स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर यशराज, डॉक्टर अभिजीत रंजन, डॉक्टर बालकृष्ण कुमार, प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक संजय कुमार, GNM प्रीति कुमारी, रूपम कुमारी, प्रियंका कुमारी, डाटा ऑपरेटर प्रशांत कुमार, एम्बुलेंस MP साधु यादव, अमित यादव, वैक्सीन कोरियर आनंदी राउत, आशा कार्यकर्ता समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ उमाकांत शाह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।